एक्सरसाइज 2.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले रीड करते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। लगभग चार क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग नहीं, चार ही हैं एक्सरसाइज 2.5 में, उसे कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है 7, 3 × t − 3 इक्वल टू 5 × 2t + 1। ठीक है, आपको बेसिकली t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t − 3 × 3 = 9 इक्वल टू 5 × 2 = 10 टी है रहेगा प्लस 5। ठीक है, क्या अपना तरीका है, अपना तरीका यह है कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड पर रखेंगे, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पर रखेंगे। ठीक है, तो 3t − देखिए 10t राइट साइड पे प्लस है, लेफ्ट पे आप मूव करेंगे तो माइनस होगा 10t इक्वल टू 5 − 2 + 9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे −7t इक्वल टू 14 और t इक्वल टू −t रखो अभी। ठीक है, −t इक्वल टू 14/7। ठीक है, मल्टीप्लाई में है 7। ठीक है, उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14। तो −t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू −2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे। ठीक है, तो जो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, इसी माइनस को आप इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कि किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हो। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो 15y। ठीक है, माइनस 15 × 4 = 60 माइनस 2y प्लस 18 माइनस माइनस प्लस होगा 2 × 9 = 18। ठीक है, इतना तो पता होगा, प्लस 5y प्लस 30 = 0। ठीक है, अब देखो 15y और 5y 20y। ठीक है, −2y राइट, −60 + 48 30 + 18 = 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 18y। ठीक है, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट टर्म में तो हमें कितना मिलेगा, −12 = 0। 18y इक्वल टू माइनस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो +12। ठीक है, तो y इक्वल टू 12/18। 6 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो y इक्वल टू 2/3 आ गया, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। दो क्वेश्चन और बचे हुए इस एक्सरसाइज के, उसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 है, 3 × 5z − 7 − 2 × 9z − 11 इक्वल टू 4 × 8z − 13 − 17। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें सबसे पहले। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आप कभी भी सॉल्यूशन करें तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट जरूर करें। ठीक है, मैं तो यहाँ नहीं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्वेश्चन को रिपीट करें, उसके बाद में फिर उसे ब्रैकेट को ओपन करने लग जाए। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें, ऐड हो रहा है तो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करें। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन कब लगानी है। तो करते हैं सॉल्यूशन। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया 5z को, तो हमें मिला 15z माइनस,
ठीक है, ये प्लस ये माइनस, माइनस 3 × 7 = 21, माइनस प्लस माइनस 2 × 9z = 18z, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 × 11 = 22, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, ठीक है, और 4 × 8 = 32z, माइनस प्लस माइनस माइनस 13 × 4 = 52, माइनस 17, ठीक है, पहले से है तो मैं इसे कॉपी कर दिया। अब अपने को करना क्या है, तो सबसे पहले इधर हम ऑपरेशन करते हैं, जो ऐड होगा उसे ऐड करूंगा, जो सब्ट्रैक्ट होगा उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में राइट साइड पे जो वेरिएबल वाले होंगे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और जो कांस्टेंट होगा उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं 15z, सब्ट्रैक्ट होगा 15z और माइनस 18z, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली माइनस 3z, ठीक है, और यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 1 मिलेगा, इक्वल टू 32z माइनस 729516, ठीक है। अब जेड को लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस 3z माइनस 32z इक्वल टू माइनस 69 और प्लस 1 है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस में दोनों है तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, बट साइन नेगेटिव के लिखे जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे समझो ना, 2 रुपया किसी और से लिया आपने, ठीक है, और मान लो कि 20 रुपये किसी और से लिए, तो अब कर्ज में कितने हो टोटल, अगर करोगे तो टोटल करोगे तो माइनस 22 के हो ना, तो यही चीज़ तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस 35z इक्वल टू माइनस 70, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, तो जेड इक्वल टू 70/35, मल्टीप्लाई में है राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में पहुंचेगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, 35 × 1 = 35 × 2 = 70, तो जेड इक्वल टू अपने को मिला 2, ठीक, और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। अब सुनो, क्वेश्चन 10 देख के घबराना नहीं कि डेसिमल में, हम तरीके से काम करेंगे, ठीक, यहाँ पे हम रफ करके आपको दिखाएंगे। तो अपना तरीका ये है कि 0.25 को सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, और पॉइंट हटाने के बाद क्या करना है, इधर से आप काउंट करो डिजिट को 1 2, तो 1 लिख के 2 0 बैठा दे, ठीक है, तो डायरेक्ट करूँ 25/100, ठीक है, चलो 100 करके दिखाऊँ, 4f-3 को कॉपी कर लिया, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, 0.05 को पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 यानी कि 2 0 बैठेंगे, तो 5/100 × 10f-9, ठीक है। अब 25/100 कॉपी कर लिया, एक बार और सो करके दिखा रहा हूँ, 4f-3 = यहाँ पे भी सो कर लो आप, तो 5/100 × 10f-9, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो देखो 24 × 100f रहेगा अपॉन 100, ठीक है, और 25 × 3 = पहले साइन देखो, प्लस माइनस माइनस 25 × 3 = 75, इसके डिनोमेटर में 1 मान लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, 100 इक्वल टू 5 × 10 = 50f/100, इसके डिनोमेटर में 1 मान लिया, इसके भी डिनोमेटर में 1 मान लिया, ठीक, प्लस माइनस माइनस 9 × 5 = 45/100, ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हुआ, राइट, और अभी कैंसिल आउट मत करो, या तो ऐसा करो कि इसको भी कैंसिल आउट अभी मत करो, बताऊंगा क्यों नहीं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा, इसको आप शिफ्ट करें
लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, तो 100f/100 माइनस 50f/100 इक्वल टू माइनस 45/100 प्लस 75/100। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से 100। ठीक है, तो ये 100f माइनस 50f, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 100, तो माइनस 45 प्लस 75। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। अब ध्यान दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो 50f/100, ठीक है, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 5 0, ठीक है, 7 में 4 3 प्लस का 30/100। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस 100 को पहले उधर शिफ्ट करें तो 50f/30/100, ये 100 डिवाइड में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, देखो ये कैंसल आउट हुआ। ठीक है, नाउ 50f/30/ डाइट कर दूं मैं 50, तो ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि f=3/5, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और एक्सरसाइज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।